नंबर 5 से शुरू करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने 1/3 पार्ट बताया था, 1/2 पार्ट बताया था, इसमें हम 1/4 पार्ट बताएंगे। 1/4 यानी आप समझ रहे हैं कि कोई भी एक डायग्राम दिया होगा और उसका 1/4 पार्ट हमको कलर करना होगा। कितना करना होगा? 1/4 पार्ट हमको कलर करना होगा। सपोज 1/4 यानी 1, 2, 3, 4 ये चार बॉक्सेस हो गया, जिसमें से एक भाग हमको कलर कर देगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? एक चौथाई। चार इसे गए एक चौथाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, उसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी हमको 1/4 करना है। 1/4 अगर कोई डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि आपका दिया हुआ है स्क्वायर बना हुआ है, चार हो गए, ठीक है, इसको मैं पहले लिस्ट करती हूँ। स्क्वायर बना हुआ है, ये हम क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। अगर मान लीजिए ये स्क्वायर बना हुआ है बॉक्स के अंदर, ठीक है, ठीक है, तो 1/4 यानी हमको एक हिस्सा कलर करना होगा। 16 का एक हिस्सा यानी मान लीजिए पूरा एक हिस्सा कलर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक चौथाई हो जाएगा, तो इसको काटते हैं तो ये भी हमारा 4 आएगा, यानी 4। 4 हिस्से से एक हिस्सा हमको कलर कर देना है, इसको काटेंगे नहीं फिलहाल। ठीक है, इसको ऐसे फिर रहने दे रहे हैं, तो ये हमारा एक चौथाई हो गया। ठीक है बच्चों, अगर ज़्यादा डायग्राम दिया हो तो वो देख लेना है, कॉलम देख लेना, उसके हिसाब से हमें कलर करना है। उसी तरह हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, 7 में 1/5 करना है, कि हमें कोई भी डायग्राम आज बना हो क्वेश्चन नंबर 7। जी का
5 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा 20 आएगा। तो ये 5 6 20 हो गया, तो ये 4 आ जाएगा। कॉलम हमें कलर कर देना है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्या हम बढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सिंपली सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन ये पहला है, ये हमारा ए, ये हमारा सॉल्व किया है। One half of 24, यानी एक चौथाई, एक आधा हिस्सा बताइए 24 का। ऑफ दिया हुआ है, उसे को डिवाइड करना आता है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ बस डिवाइड का साइन लगा के यहाँ 24 करना है, ठीक है। अब ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन होता है, हम डिवाइड का साइन क्यों लगाए हैं? क्योंकि बच्चों ये देखिए, थोड़ा लंबे प्रोसेस है। 1/2 ऑफ का मतलब हो गया यहाँ पर लिखा है 1/24, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये तो कट नहीं पाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पाएगा। तो इसको चेंज करने के लिए हम इसको ऊपर कर देंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे तो 24 हमारा ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब ये वन कट गया, अब ये बच गया कितना, 12/2, यानी 1 ये आएगा तो 1 ही बार में आएगा ना, जिसमें हम वन लिख दिए या 12 हो गया, तो ये हो गया हमारा 1/12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा, यानी इसके लिए हम 1 लिखेंगे नहीं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 12 आ जाएगा, यानी एक आधा हिस्सा हो गया, 24 का आधा भाग हो गया 12, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 1/4। ये क्वेश्चन यहाँ का है 1/3 लेते हैं, 48 का ये डी है, क्वेश्चन नंबर डी है 1/3 of 48, सेम जाएगा 1/3 × 48, इसको 1/3 × (divide), ठीक है, डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 48/1 करेंगे, इसको हम इसे काटेंगे, 3 × 3 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।